दोस्तों क्या आपका भी मोबाइल लॉक हो गया है? क्या आपने टीवीएस क्रेडिट का ईएमआई पे कर दिया है लेकिन अभी तक मोबाइल लॉक खुला नहीं है? क्या आपको टीवीएस क्रेडिट साथी कस्टमर केयर को आपको बात करना है? आपको नंबर चाहिए? क्या आपको उनका व्हाट्सएप नंबर चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपका भी मोबाइल पिन लॉक हो गया है तो आपको क्या करना होगा? आपको अपना ईएमआई पे करना होगा ऑनलाइन। तो कैसे करना है ऑनलाइन, मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, तो आपको उस वीडियो को देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देखे और आपको ईएमआई कैसे ऑनलाइन पे करना है वो सारी डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी। उस तरीके से आप ईएमआई पे कर दीजिए और आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है कि मैंने ईएमआई पे कर दिया है लेकिन मेरा मोबाइल का अनलॉक खुला नहीं है। दोस्तों क्या होता है, जब भी आप अपना ईएमआई पे कर देते हो तो कुछ टाइम लगता है, क्योंकि 10-20 मिनट लगते हैं क्योंकि उस मोबाइल को चालू होने में। आपको रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट कर देने के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ईएमआई पे कर देने के बाद आपको 20 मिनट तक रुक जाना है और आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपका मोबाइल का पिन अनलॉक हो जाएगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों टीवीएस क्रेडिट के बारे में कोई भी पूछताछ करनी हो तो आपको कस्टमर केयर से बात करना है, तो आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और टीवीएस क्रेडिट सारथी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उस ऐप को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल कर देने के बाद कॉन्टैक्ट यूज, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको डायल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। आप कस्टमर केयर से बात करने के बाद आप पूछताछ कर सकते हो। दोस्तों आपको व्हाट्सएप का नंबर चाहिए तो आपको उसी ऐप में जाना है और जाने के बाद आपको व्हाट्सएप का आइकॉन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको जो मैसेज है वो मैसेज टाइप कर देना है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उस तरीके से आपको चैट कर देना है, उनका रिप्लाई आ जाएगा और आप जो भी आपका मन में सवाल है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों आपको ईमेल करना है तो आप ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उनको ईमेल भी कर सकते हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सॉल्व किया जाएगा। इस तरीके से आप ईमेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अपने जो भी आप ईएमआई भरते हो उनका स्टेटस चेक करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर जाकर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक कर देने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और टाइप कर देने के बाद आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको टाइप कर देना है और टाइप कर देने के बाद आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से मैंने ओटीपी डाल लिया और डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपको सारा डेटा मिल जाएगा, इस तरीके से आपको ईएमआई कब भरना है और आपने कब कब आपका ईएमआई कट गया है और आपने अभी तक कितना ईएमआई पे कर दिया है और आपको कितना ईएमआई अभी तक पे करना है, तो इस सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दोस्तों एग्रीमेंट नंबर आपको चाहिए तो आपको एग्रीमेंट नंबर मिल जाएगा। एक नंबर के ऑप्शन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको एग्रीमेंट नंबर है। दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।